कार्यक्रम आरंभ करिबा जेमिति प्रतिवर्ष आरंभ हुए संगीतर संगीतर एवं जे 64 जोगिनी सम्मान लाभ करिथांते तांकरी सुमधुर कंठर तेबे आज आपण जानि सारि छंती आमे गुरु मन्मथमिश्र महोदय के सम्मान प्रदान करिछु किंतु बिना संगत रे संगीत हुएनि तेणु आज तांक सहित जो माने संगत रे अछंती कीबोर्ड रे अछंती ओडिसा राव जने सुदक्ष संगीत निर्देशक म्यूजिक अरेंजर कीबोर्ड प्लेयर विभू प्रसाद त्रिपाठी महोदय तंग पे गोटे जोरदार करताली अपन मान पाखर तंग सहित आज तबलारे अच्छा जने खूब सुंदर तबलावादक ढोलक बादक पैड बादक तालवादक आउ जने सुपरिचित नाम सुरेश भाई तंग पे गोटे जोरदार करताली अपन मान पाखर तंग सहित आज ढोलक अच्छा लक्ष्मी प्रसाद कानन गो महोदय आम मान अग्रज एवं अक्टोपैड अच्छा संग्राम केशरी मो निवेदन रखी जहाँ भाववला कंठर जोटि स्वीकार करुथिले अतिथि माने जहाँ कंठरे भंदा थाए भक्तिर अनवत्य स्वर बेले बेले से स्वर को श्रवण करिबा हुएत रत्न सिंहासन त्याग करुथिबे कालिया ठाकुर ये अनुभव अनेक श्रोतांक पाखरे अछि जितेबेले मनमत मिश्र महोदय गांति आमे निवेदन रखिबु गुरु मनमत मिश्र महोदय को एवं तांको जीवन रे जे वास्तव रे छंद भरी छंती लय भरी छंती उभय छंद को नहीं संगीतर यात्रा अब्याहत रही ओडिशार आउ जने सुखंठी गायिका संवाद पाठिका कृष्णा मिश्र महोदय तक भव्य करताली आपण मान पाखर तेणु उभय को मुझे नम्रतार सहित मंच को आमंत्रण करी निवेदन रखी भाव संगीत आपण हृदय को संचरी जावाई समस्त को नमस्कार माँ 64 जोगिनी पीठ रे ये अपूर्व महोत्सव ओडिशार लोकप्रिय प्रतिष्ठित ओडिशी नृत्यांगना सान भौणी प्रतिभा पंडा सान भाई रुना पंडा एवं हीरापुर ग्रामवासी कमिटी मानक द्वारा जो आयोजन चली 17 वर्ष धरी छोटिया कथा नुहे कारण अनुष्ठान आरंभ हुए बहु जाकजमक उत्साह उद्दीपन किंतु धीरे धीरे केमिति मऊली जाए आउ 17 वर्ष जो महोत्सव आरंभ हो गला ये शताधिक वर्ष सहस्राधिक वर्ष पाई ये एक परंपरा तैयारी एथपाई नृत्य प्रतिभार मुख्य सान भौणी प्रतिभा पंडा को रुना पंडा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची आज संध्यार उपस्थित थिबा समस्त वरेण्य अतिथि माने ओडिशार विशिष्ट व्यक्तित्व मानक गहन रे आज महोत्सव एवं प्रथम अवदान रे संगीतर कार्यक्रम बाहर आसी मोर कार्यक्रम देखुवा शशि बाबू शशि शतपथी महाशय तांको श्रीमती मध्य आसी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करुच्चित समस्त दर्शक दर्शिका मानक बहुत बहुत हृदय कृतज्ञता प्रतिभा कहले माँ को पीठ माँ को गीतर आरंभ हे एवं यह एक शास्त्रीय नृत्य उत्सव कार्यक्रम तो गोटे शास्त्रीय माँ गीतर आरंभ करेंगे आज संगीत और आपण मान प्रिय गीत श्रीजगन्नाथ मध्य बोलि बराद अच्छी आपण मानी पर कृष्णा मिश्र गाइबे आपण मानी प्रथम मालोमा दशभुजा घेन प्रणाम घिन प्रणाम मालोम दस पूजा घिन प्रणाम मालोम दस पूजा घिन प्रणाम मालोम दस पूजा घिन प्रणाम हृदय पूजा फूल कर ग्रहण दुखी कर श्रवण धन्य कर मापी जीवन मालो मदस भूजा घिन प्रणाम मालो मदस भूजा घिन प्रणाम Thank you.
आजी पार्वण होराजित भक्त धरारे अवत आज ये पार्वण होराजित भक्त गहणे भूमि घुमा जाए सब उठी सुधी जाए भूमि घुमा जाए सब उठी सुधी जाए केवल दुर्गा भवानी दशहरा रे तुम्हें महिमा समर्पिनी नवरात्र रे तुम्हें नव दुर्गा भवानी दशहरा रे तुम्हें महिमा समर्पिनी दियो मां दियो ढाली तुम्हारी कृपा बारी दियो मां दियो ढाली तुम्हारी कृपा बारी से कृपा अमृत वंदनारु माँकर चरणाश्रित समस्ते आम मैने माँ को बिना ये दुनिया असंभव बाबा जी योगदान अच्छी ब्रह्मांड गठन माँ अनुरोध माँ को बिना ये ब्रह्मांड केमी होता सृष्टि केमी चली था जीवन केमी आरंभ होता माँ ही माँ आपण मान आपण प्रिय गीत श्री जगन्नाथ गोटे कर्तरी आशा करेंगे आप निज रचनारु निज संगीत निर्देशनारु निज कंठदान ये गीत जिते बड़े लोकलोचन को आसला टेलीविजन माध्यम विश्व सारा समस्त ओडिया बहु प्रशंसा मते पठेले जे बहुत चमत्कार हेजी जगन्नाथ गीत मु कहली ये प्रशंसा मोर नुह जगन्नाथ महाप्रभु इच्छा थी मत निमित्त मात्र करी मत माध्यम करी इच्छा रे गीत सी सृष्टि कर दे जो आज विश्व सारा ओडिया ये गीतर प्रशंसा उन्मुक्त होती जगन्नाथ महाप्रभु श्रीचरण कमल तले निजक समर्पित करी आई समर्पण प्रसाद स्वरूप ये गीतर लोकप्रियता आज एत संख्य बहुत बहुत धन्यवाद श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ नील संघ पथि सतन कमल रतन सिंहासन सर्वालंकारयुक्तम नववन रुचिरम संयुतम चारुजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतम ब्रह्म
मधुरेण्यपद्यम वेदानां सारमीशं सजन परिमुतं ब्रह्म दारुं स्मरामि। श्री जगन्नाथ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ
उपस्थित समस्त गुरुजन मान मंच प्रति भूमिष्ठ प्रणाम जनाऊँ समस्त सम्मान्य अतिथि सम्मान्य व्यक्तित्व समस्त दर्शक बंधु मान मंच प्रति प्रणाम जनाऊँ मोर बंधु प्रतिभा पंडा रुना पंडा रजनी बाबू समस्त आयोजक मान अंतर बहुत बहुत धन्यवाद जनवे जे ये पवित्र मंच पवित्र आसर से मत सुजोग माँ गीत गाइबापी बंधु प्रतिभा पंडा को अंतर बहुत बहुत साधुवाद भी देवी तर प्रयास ये पवित्र चेष्टा भगवान तक दीर्घायी करूँ बहुत आगे जाऊ बहुत बहुत समस्त आशीर्वाद लाभ करु समस्त को शुभकामना प्रतिमा को भजन
संगीत को पे जोरसार ताली हे जाउ मां को लगे एडी बहुत मोर मां माने माने भौनी माने बसछंती मां को लगे बहुत सुंदर होळ होळ हे जाउ आ बहुत भाई माने बसछंती मौसा माने बसछंती प्रभु जगन्नाथ को पे गुडे जोर हरि बोल हे जाउ हरि बोल प्रभु जगन्नाथ उद्देश्य रे Thank you.
कहुए गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्कर तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्य पंचदेव नमस्तुते प्रत्येक कार्यक्रम रम आरंभ पूर्व सिद्धिदाता विघ्न विनाशक गजानन गणनायक को वंदना कराए एवं भी मंगल आरंभ कर मंगल समापन करार प्रक्रिया जी मंगलाचरण ओडिसी नृत्य शास्त्र प्रथम सोपान मंगलाचरण आ मंगलाचरण अनन्य अध्याय गणपति वंदना संगीत संयोजना करती गुरु सुकांत कुमार कुंडू वाद्य संरचना करती गुरु धनेश्वर स्वाई एवं नृत्य संरचना करती गुरु दुर्गाचरण रणवीर एवं नृत्य निर्देशन दिखते गुरु श्रीमती प्रतिभा पंडा तबे गुरु श्रीमती प्रतिभा पंडा तबे गुरु श्रीमती प्रतिभा पंडा प्रत्यक्ष तत्वावधान एवं नृत्य प्रतिभा शिल्पी कूल परसी देवे गणेश वंदनार अनन्य आधार रे मंगलाचरण रत्नाख्य सूत्र
Come
गुरु श्रीमती शर्मिला विश्वास समग्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य दर्शकों पर शर्मिला विश्वास एक विश्वास योग्य नाम जड़े गुरु किलुचरण महापात्र पटशिष्या भाव में जड़े सुदक्ष गुरु नृत्यशिल्पी नृत्य संरचनक गवेषिका भाव जहाँ अनेक ख्याति भारतीय शास्त्र अनेक तथ्य को ओडिसी नृत्य माध्यम परसि देवार दक्षता जे दिगंत विस्तारी एक कहवा बाहुल्य आज केन्द्र संगीत नाटक एकाडेमी पर मर्यादाजनक सम्मान सम्मानित होता गुरु श्रीमती शर्मिला विश्वास प्रस्तुति रही कथा सूर्पणखा जहाँ संगीत संयोजना करिछन्दे प्रफुल्ल कर महोदय एवं तांक सहित सहयोग करिछन्दे सुरमणि रमेश चंद्र दास विजय कुमार बारिक एवं सुकांत कुमार कुंडू वैदेही विलास बायकवि सूर्य उपेन्द्र भंज विचित्र रामायण विश्वनाथ खुंटियांकर दांडी रामायण बलराम दासंकर एवं इराम अवतारम कंपनकर एमिति अनेक रामायण तथ्य को नहीं भित्ति करी से आलेख्य प्रस्तुत करती एवं निजर गवेषणा एवं यार आलेख्य प्रस्तुत करिवारे सहयोग प्रदान करती शर्मिला विश्वास सहित श्री जगन्नाथ पंडा कथा सुपर्णखा रामायणर अनन्य कहानी को समस्ते जानते किंतु प्रेम निवेदन कले दंड प्राप्त करने को हुए ये प्रश्नर उत्तर भी आज समस्त नारी मान मन एमती एक अनेक अमीमांसित प्रश्न आउ गभीरतम प्रदेश अनन्य तथ्य और तथ्य को नहीं आज प्रस्तुति आम निवेदन रखू गुरु श्रीमती शर्मिला विश्वास महोदय एक भव्य करताली आपर चे कलिकतारु आसी आम मान गहन पहुँची एवं प्रदर्शन एक नियारा शैली जहाँ शर्मिला विश्वास नृत्य प्रदर्शन आकर्षण थाए ताहीं अनुभव करेंगे कथा सुर्पणखा आम निवेदन रखू करताली सहित मंच को स्वागत कर चित्र तो यार अभूला कहानी सुर्पण खाला किंपा निंदिता रमणी सुवर्ण लंकार जेमा अली अली अनुपमा दंड कर बिहारिणी असुर कूल सुषमा रूपर से पुजारिणी श्रीराम अनुरागिणी रूपर तुलना पाई रूप देला बदलाई रूपसी बेश मंडन अभिसारे होई मगन प्रीति पासे नीति कहीं आर्ज किवा बुझी नहीं सुकुमार सुषमारे किए बा मोहिनु होई हे बारु दंडिता हेला से खंडिता अशुभ अप्रिय विरूपा कुच्छिता
सीतांकु राम भेली गोदावरी कूले सीतांकु राम भेली ग्रीष्म जल क्रीण ग्रीष्म जल क्रीण करंती कहिबेनी सीतांकु राम घेनी सीतांकु राम घेनी हेमंत समय तही राक्षसी आसी धक्का तिंदक धक्का तिंदक धक्का तिंदक तिंदक तिंदा राक्षसी एनु हे राजकन्या तही आसी धक्का तिंदक धक्का तिंदक धक्का तिंदक तिंदक तिंदा विश्रवानंदिनी अटई धक्का तिंदक धक्का तिंदा रावण भगिनी अटई धक्का तिंदक धक्का तिंदा लंकार कुमारी अटई धक्का तिंदक धक्का तिंदा दंडकर रानी अटई धक्का तिंदक धक्का तिंदा हेमंत समय तही राक्षसी आसी स्नान कला से गोदावरी रे पसी धक्का तिंदक धक्का तिंदक धक्का तिंदक तिंदक तिंदा हेमंत समय तही राजकन्या आसी स्नान कला से गोदावरी रे पसी मनुष्यर चरण संचा को देखिला मनुष्यर चरण संचा को देखिला खोज गोड़ाइण से बनस्थ को गला खोज गोड़ाइण से बनस्थ को गला देखिला कराम लक्ष्मण सीता तिनी
सुंदर रूप हेमंत बाहर तरु अंतरु
बाहर तरु अंतरु बाहर तरु अंतरु विशिष्ट बुरु कंपाई डोला खेलाई विशिखक माने नेत्र बिंधी न दे बड़ा डिंगुरा दे अपसर सा बड़ा डिंगुरा दे अपसर सा बलात्कार शोभा गुणे छोड़ाई रसा धक धक तिंदक तिंदक ता तिन धक धक तिंदक तिंदा धक धक तिंदक तिंदक ता तिन धक धक तिंदक तिंदा धक धक तिंदक तिंदक ता तिन धक धक तिंदक तिंदा धक धक तिंदक तिंदक ता तिन धक धक तिंदक तिंदा तिंदक 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 ता तिन तिंदक ता तिन तिंदा तिंदक 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 ता तिन तिंदक ता तिन तिंदा tindak 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 tadin tindak tadin tindak 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 tadin tindak tadin tindak 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 tadin tindak tadin tindak 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 tadin tindak 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 tadin tindak tadin tindak 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 tadin tindak tadin tindak tindak tadin 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 tindak एही समय रे श्रीराम पासरे असुरी प्रवेश होइला श्रीराम श्रीअंग सुंदर देखिण मदन बाणे मोही हेला हे उं अमन गर्जन लोइं बोई अमन हे उं अबले लाडक उलेन अंगलेन डंगलेंग साय उलेन अंगलेन एयुं आमा के बण देश रु तुम्हे एथकु ओइला हे मोर बिपिने तमे किम पाई रहिल बोइले रघु नंदन रे राम बर व्रत आचरण सदा एक पत्नी मोर सीता छाड़ीण तू मोते भोग्य कर तोते शरधा जे बोलिला मोहर भाई लक्ष्मण अछंति आंभर भारी जातांकर नाही संगर एयुं एयुं आमन गर्जन लोयें बोई आमन एयुं आमन
अबलेल आडक उलेन आमलेन डोंगलेंग साई उलेन आंगलेन एयुं 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 आमा लक्ष्मण बोइले मु श्री राम रो दास दास रो भारी जहेले किस पौरुष ततकिं 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 ततकिं
श्रवण करो निश्चित भाव रे। दलगत प्रस्तुति हीरापुर बासिंदा हिसाब से से कहानी को बखाणवार आवश्यकता यहीपाई ना चे आमर प्राणेश्वर होती महाप्रभु जगन्नाथ। से दिन जिते बड़े पद्मावती रूपलावण्य अभिभूत होते पुरुषोत्तम देव बहार प्रस्ताव नहीं स्त्रीकृत होता निष्पत्ति निया उभयंकर बहर पर किंतु बहार तारीख पूर्व तिथि पूर्व पड़ी महाप्रभु जगन्नाथ विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा बंधु हिसाब से अग्रिम निमंत्रण दि जाइला आते बड़े कांची नरेश साल्लो नरसिंह देव सपत्नी सहित श्रीक्षेत्र आसी रथयात्रा महाप्रभु को दर्शन करते देखि पुरुषोत्तम देव जी महाप्रभुंर चलती प्रतिमा बोली जाति स्वीकार करे जोड़ी जाति स्वीकार करे नवकोटि कर्णाट उत्कल कलवर्गेश्वर संग्रामे सहस्र भाऊ क्षत्रिय कुल धूमकेतु बोली आज से सामान्य चंडाल कर्म करुछंती समार्जन धरी रथ तीन उपरे एक कथा देखला भितर भावांतर जाग्रत है चंडाल कर्म करुवा जड़े नरपति को मुर कन्या को टेकिदारि ना घर को फेरीगला कांची रु पत्र आसला जे आपण बहुत प्रस्ताव को अस्वीकार कर रूपलावण्य विमुक्त होता निज परस्तत्व को जिते बड़े बाधा पहुँची से युद्ध रचना कर पुरुषोत्तम देव किंतु कांची रु पराभव हो जिते बड़े प्रत्यावर्तन कर श्रीक्षेत्र महाप्रभु जगन्नाथ निकटने निउछाड़ी चे प्रभु आपण का आदेश व्यतीत सामान्य कन्यापी मुझे युद्ध रचना करी कि पचरि भी आउ एक उद्देश्य था सी मोर व्यक्तिगत योग्यता कारण जदि अस्वीकार करते चुप ही रही था किंतु आपण सेवा प्रदान करुवा बेले आपण प्रदत्त कर्म को से चंडाल कर्म बोली कहले तेणु ये अपमान मोर नुहे प्रभु ये जातिर अपमान ये आपणकर अपमान कारण आम स्वीकार करिछु उत्कल रे नेता नाही प्रयोजन उत्कल रे नेता निजे नारायण तेणु आपण स्वयं उत्कल राजा मु तो आपणकर आउत मात्र तेणु एवं आपणकर इच्छा स्वप्नादेश हुए महाप्रभुंकर पुनः युद्ध रचना करने कांची विरुद्ध पुनः युद्ध रचना कराए पुरुषदेव अध्यक्षतार किंतु हठात युद्ध यात्रा समय रे छार गौड़ी टीए बाट अटकी दिए राजा कहे आपण ये मुद्रिका नहीं आपण सैनिक कौड़ी नदे मो दही मूल नदे दही पी चलीगले कहले मुद्रिका को दे मोर मूल मागि नापाई मु छार गौड़ी मोर रत्न मुद्रिका बा मोर कौन हम आपण आपण सैनिकों मुद्रिका नियंतु आते मो मूल फेरई दिंतु जिते बड़े मुद्रिका देखिले पुरुषोत्तम देव हतबम्ब हो गले आश्चर्य चकित हो गले यह कौन संभव चे महाप्रभुंकर रत्न मुद्रिका जोटी सात मुद दिया गर्भगृह भितर रही गौड़ी हाथ को आसला केमी पचारि बसिले घटना कौन ना तुम दुई सैनिक कला घोड़ा धला घोड़ा कला घोड़ा चढ़ी यट दे जाऊ ग्रीष्मर प्रभाव में तंटी सुखीजी तुषार निवारण करने मोर दहीपान कले कौड़ी मागिबारु ए मुद्रिका दे कहिले छामु पछरे आसुचंती देके मूल नवापाय कौटी खाऊले पचारिदेले गजपति जोटी स्थान देखा गौड़ी से माटी को मुंडरे मारी गड़गले गजपति जे तुम्हें आज परम धन्य जहांकर सेवा पूजा रे मु प्रतिनित्य समर्पण तंक स्वचक्षुरे दर्शन करी तंक तृषा निवारण कर दधिपान करार सुजोग तुम्हें लाभ करिछ तुम्हें भाग्यवती यार तुमको कि मूल मु देवी तेणु आज ये समग्र पटना माणिकी पटना एवं गजपति निश्चित हूँ एथरक विजय निश्चित विजय निश्चित हुए अभिमान रे महामंत्री को आदेश दि जाए जे आपण पद्मावती बहुत जन चंडा सहित करेंगे किंतु चतुर महामंत्री सेमती एक रथयात्रा को अपेक्षा करती आने राजकुमारी जन श्रेष्ठ चंडा आवश्यक आपण व्यतीत किए कही से बहुत संपन्न कराए मुदन रखी गुरु श्रीमती प्रतिभा पंडा नृत्य संरचन समृद्ध नृत्य प्रतिभा शिल्पीकूल परशीदेव कांची अभियान पुणे एक भव्य करताली आपण मान निकट
ସାଗର କୁହନା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଶୁଣିବୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ କଥାମୃତ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ଗାଧାଲୋ ନାଗରୀ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ଗାଧା କାଳିଆ ବଳିଆ ସୈନିକ ସାଜି ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା କଥା ନାଗରୀର ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା କଥା जय हे सेनापति तुमे हठात एठारे ये उत्कलर दूत मणिमा गजपति पुरुषोत्तम देवंक पत्र नै आसी अछि एई नियंतु सुण सुण आम्भ वार्ता कांचीर राजन आम्भ हस्ते पद्मावती कर समर्पण प्रभु जगन्नाथंकर एहा ही निर्देश अवज्ञा करिले युद्ध होइब अवश्य अवज्ञा करिले युद्ध होइब अवश्य चण्डाल राजार पुणी एते गर्व दम्भ पद्मावती पाई प्रस्ताव
वीर श्री गजपति गौडेश्वर नवकोटि कर्णाट कलवर्गेश्वर उत्कलर महामहिम गजपति श्रीमंदिर को विजे छामुछाट छामुछाट कृपा कर चकानयन कृपा कर चकानयन अक्षुण रहुए उत्कल मान कृपा कर चकानयन आज्ञा माल देने आरंभ आज्ञा माल देले आरंभ करीबी कांची अभिजान कांची अभिजान कृपा कर चकानयन दही नब दही दही नब गो दही दही के नब गो दही दही के नब गो दही दही के नब गो दही टाई टाई खरा मुंड झाई मारे गम गम बहे झाड़ धाई धाई बाट धाई सई लगे सोसरे कंठ कुल सोसरे कंठ कुल बटोई भाई बटोई भाई बटोई भाई बटोई भाई पानी नहीं मो पाखरे अच्छी दही बटोई भाई बटोई भाई मु दही पीले सोस मरी जीव मु दही पीले पेट ठंडा हेब मु दही पीले सोस मरी जीव मु दही पीले पेट ठंडा हेब पीजा जेते पीबो भाई दही तो पील एबे मो पाउना दियो आमे पाई को भाई आमे पाई को भाई लढ़ई करी बुझाऊ छुआ में लढ़ई करी बुझाऊ छुआ में ओडिसा रो सीमा दे आमे पाई को भाई आमे पाई को भाई दही हांडी मोर खाली करी देलो भाभी चकी देली मागणा भाभी चकी देली मागणा दही बिकिले मो घर चढ़े न बिकिले मो चुली की जड़े पेट को दाना छोटा दियो मो
भाई ये तो पूरा नछोड़ बंधा कौन करिबा कौन करिबा तू कहुनु बंध कर रतन मोदी आम को दिया छाड़ी आम को दिया छाड़ी दीवार करुछु सत्य कहू नाहू मीछे आम राजा सुछंती आम पछे पछे दीवार करुछु सत्य कहू नाहू मीछे ए मुदी दे राजांक ठारू मागी रखिब कौड़ी मागी रखिब कौड़ी भगवान जे केते बेले केउ परीक्षा रे पकाउछंती ताहा ए छार मनीष को अजणा हो देखा जाउ महाराज केते बेले आसुछंती एई बोधे आसी गले ना कोन महाराजंकर जय हेउ प्रणाम घेना करंतु मणिमा की तुमे रमणि मुमाणिका कोडुणी दही बिका मो बेउसा मुमाणिका कोडुणी दही बिका मो बेउसा इचली का कोळे सती बर पाखे मोहरी चलिया पसा तो श्री जगन्नाथ रत्न मुदी ए मुदी तुमे कोठु पाइलो काला थाला घोड़ा चढ़े आसी थेले दोई भाई सोसो मेटाई बापाई मोठारो पीले दही पाउडा मुमागे बारो ए मुदी देले राजा को दे रतन मुदी बंधक रखी कले प्रमाण सैनिक साजी जगा बलिया करुछंती कांची अभिजान करुछंती कांची अभिजान कालिया बोलिया चरण परसे ए पुण्य माटी धन्य दही पियाईलु प्रभु को दोसिलु धन्य लो माणिक धन्य धन्य लो माणिक धन्य तो नामे करू घोषणा आज थारू ए गौर नामटी होइब माणिक पाटणा होइ
शिव माणिक पटना। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। आरे आरे मूढ़मती चंडाल राजन, आरे आरे मूढ़मती चंडाल राजन, किसा हासे कलु तुहि कांची आक्रमण, वृथा आस्फालन रे, वृथा आस्फालन रे, भोगी बुतु तार परिणाम रे। काष्ठ पितुलारे गढ़ा नुहे जगन्नाथ, काष्ठ पितुलारे गढ़ा नुहे जगन्नाथ, तांकु अपमान देई कलु महापाप, पाइबु तु शास्ति रे, पाइबु तु शास्ति रे, तांको बिना नाही तोर मुक्ति रे। आज पवित्र श्री गुंडीचा तिथि रे वीर श्री गजपति कर्णाटक कलबर्गेश्वर महाराज श्री पुरुषोत्तम देवंकर बड़दांड को विजय। सावधान सामुछाट सामुछाट। सुना खड़ी का धरी गजपति छेरा पहरा करंती, छेरा पहरा करंती, ही समय रे महामंत्री साथे प्रवेशिले पद्मावती, प्रवेशिले पद्मावती। एक और महामंत्री मु तो आपन को कांची राजजेमा को एक चंडाल हस्तरे अर्पण करबा पई कहितली, आपन मो आदेश को अवमानना कले केमिति। रथ रे छेरा पहरा करी आपण करंती चंडाल कार्य, तेणु आपण हस्ते पद्मावती अर्पण कली महारा। महाराजांकर आदेश कुसिए, महाराजांकर आदेश कुसिए, अक्षरे अक्षरे कले पालन। सुनंतु आहे राजन। राज जे मा परंतु वरण, इच्छा मय इच्छा हे पूरण। कांची राज जे मा परंतु वरण, इच्छा मय इच्छा हे पूरण। सुनंतु आहे
राजन मंत्री अकाट्य वचन कथक नृत्य आज कथक नृत्य मान गहन उपस्थित अच्छा कथक नृत्य जगत में जहाँ नाम को आम जथेष श्रद्धा और सम्मान सहित उच्चारण करूँ। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग लोकसंपर्क अधिकारिणी भाव में कार्यरत किंतु परिचय आउ एक भिन्न जड़े सुसाहित्यिक भाव जड़े सुवक्ता भाव जड़े कवि भाव जहाँ अनेक ख्याति केवल भारत नुहे भारतर सीमा सरहद डेई विश्वर अनेक जशस्वी मंच में जे निजर प्रतिभा प्रदर्शन कर अजस्र प्रशंसा सौंती मुझे रखे जातीय पुरस्कार प्राप्त चलचित्र चमन बाहर अभिनेत्री होती से बुलंदी मेजर मध्य से होती अभिनेत्री एवं राष्ट्रीय स्तर में महात्मा गांधी नहीं जो चलचित्र निर्माण करस्तूरबा भूमिकार अभिनय कर जे समग्र भारतीय प्रशंसा साउंटी थिले तेणु जड़े चलचित्र अभिनेत्री भाव में जड़े कवि भाव में जड़े बाग्मी भाव में छत्तीसगढ़ दूरदर्शन संवाद पाठिका भाव में जहाँ अजस्र ख्याति कथक नृत्य जी प्रसिद्ध जड़े बहुमुखी प्रतिभार सफल समन्वय से कथक नृत्य पीएचडी डिग्री हासिल कर लोक संगीत और सुगम संगीत से डिप्लोमा हासिल कर तेणु संगीतर आउ एक बहुविध प्रतिभा होती डॉक्टर अनुवाद दुबे आम निवेदन रखे गोटे जोरदार करताली आपण मान निकटर प्रस्तुति रे कथक नृत्य। थैंक्स मिलन जी। कनु प्रिया, आज हम कथक शैली में कनु प्रिया की प्रस्तुति देने जा रहे हैं। कनु यानि कृष्ण कान्हा और प्रिया यानि राधा, एक अलौकिक प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो जन्मों जन्मों से युगों युगों से सराहा जाता है, जिसका अनुसरण किया जाता है। एक ऐसा प्रेम जो स्वार्थ से परे है, एक ऐसा प्रेम जो कुछ चाहता नहीं, जिसमें कुछ पाना नहीं है, बस खोना ही खोना है, उसके बाद भी अलौकिक प्रेम है। ये कहानी है राधा और कृष्ण की, ये कहानी है राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम की, ये कहानी है राधा के विरह की, ये कहानी है कृष्ण के उस उत्तरदायित्व की जब उन्होंने ईश्वर होते हुए भी अर्जुन के सारथी के रूप में महाभारत में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।
कृष्ण तो चले गए सारथी बनकर, लेकिन राधा अकेली रह गई। बरसों बरस इंतजार करते, इस उम्मीद के साथ, इस इंतज़ार के साथ कि कृष्ण आएंगे और उन्हें एक बार फिर से रासलीला रचाने का अवसर मिलेगा। और इसी विरह में, बिछोह में राधा कई बार उन लीलाओं में खो जाती हैं जब उन्होंने कान्हा के साथ रास रचाया था, लीलाएं की थी। और इसी दौरान उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कान्हा स्वयं उनके समक्ष हैं, और जब कान्हा उनके समक्ष होते हैं तो वे नाचती हैं, वे उलाहना देती हैं, वे अपनी शिकायत उनके सामने दर्ज करती हैं। और अचानक जब उनकी तंद्रा भंग होती है तो कान्हा कहीं नहीं होते, और उसी के बाद वो विरह व्याकुल होकर विरह वेदना के अतिरेक में चली जाती हैं और ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि ये शरीर भले ही मिट जाए, लेकिन ये जो दो नैन हैं, जो दो आँखें हैं, वो हमेशा अजर अमर रहनी चाहिए, ताकि इन नैनों से वो इंतज़ार कर सकें, वो कृष्ण की बाट जो सकें। देश के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना कनुप्रिया, जिसमें नृत्य संयोजन किया है मैंने, डॉक्टर अनुराधा दुबे ने और रितेश शर्मा ने, जो अब इस नृत्य नाटिका में आज कृष्ण की भूमिका अदा कर रहे हैं। रितेश देश के मूर्धन्य कलाकार कथक के पर्याय पंडित बिरजू महाराज जी के शिष्य हैं, और मैं डॉक्टर पीडी आशीर्वादम जी की शिष्या हूँ, जिन्होंने खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति का पद सुशोभित किया है। हमारे साथ गोपियों की भूमिका में हैं मानसी पटेल, धारणी सोनी, आहना साहू और दीपाली गुप्ता। तो लीजिए, प्रस्तुत है कनु प्रिया। कार्यक्रम प्रस्तुति रे राशेश्वर और राशेश्वरी अपार्थिव प्रेम अनन्य कहानी को नहीं, जोटे रस रास और विरहर मिलनर एक चमत्कार सम्मिश्रण प्रस्तुत करुछंती डॉक्टर अनुहता दुबे एवं साथी शिल्पी कुल। प्रस्तुत करुछु कन्नुप्रिया। Oh.
हरम सुंदर गोपाल सुंदर गोपाल ऐसे तो क्षण होते ही हैं जब लगता है कि इतिहास की दुर्दांत शक्तियां अपनी निर्मम गति से बद रही हैं। ऐसा ही आग्रह है कनुप्रिया का। राधा यानी कनुप्रिया आज उसी अशोक वृक्ष के नीचे उन्हीं मंजरियों से अपनी कुंवारी मांग भरे खड़ी है, इस प्रतीक्षा में कि जब महाभारत की अवसान बेला में अपनी 18 अक्षौहिणी सेना के विनाश के बाद निरीह एकाकी और आकुल कृष्ण किसी भूले हुए आंचल की छाया में विश्राम पाने लौटेंगे, तो कनुप्रिया उन्हें अपने पक्ष में शिशु सा लपेट लेगी। मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं, पाप पुण्य धर्माधर्म न्याय दंड क्षमाशील वाला ये तुम्हारा युद्ध सत्य है, तो भी मैं क्या करूं कनु? मैं तो वही हूं तुम्हारी बावरी मित्र। जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, उसे पूरा समेट कर भी आसपास न जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। गली एक तोड़ रही यही कारण हाथ मरोड़त माल क्रेधे तादिक धादिक दिखे
क्रेधे तिग्धा दिग्धा क्रेधे तिग्धा दिग्धा दे ताम दे दे ताम दग दग तुम तक थो दे 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 ताम दे दे ताम दग दग तुम तक थो तकिट दिकिट तक तुम तक गरिगने तकिट दिकिट तक तुम तक गरिगने कुंग नूं तक तुम तक गरिगने ते 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 कुंग नूं तक तुम तक गरिगने ते 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 कुंग नूं तक तुम तक गरिगने ते 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 तक ताक ताक मारे राधा नैन बाण धक तक धुमक तक दिन नडान नाचत है कुंवर कान गत निकास चाल ढाल कसक मसक तीन तान सखियन संग रास करत नाचत है नंदलाल थरी किट थरी किट थरी किट तक 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 थरी किट किर तगन जिग्गे तान जिग्गे तान जिग्गे तान ढिडड़ कुकुक धा ढिडड़ कुकुक धा ढिडड़ कुकुक धा दिग 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 थे थे ता तुम दिग 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 थे ता तुम तिग धाता दिग दिग तिग धाता थो तिग धाता दिग दिग तिग धाता दिग दिग ता थे ता दिग दिग आ थे ता दिग दिग ता थे ता आ तिग धाता थे तुम्हारे लिए धूल में मिली हूं, धरती में गहरे उतर जड़ों के सहारे तुम्हारे कठोर तने के रेशों में कलियां बन कोपल बन सौरभ बन लाली बन चुपके से सो गई हूं कि कब मधुमास आए और तुम कब मेरे प्रस्फुटन से छा जाओ। फिर भी तुम्हें याद नहीं आया, नहीं आया
तब तुमको मेरे इन जावक रचित पाहों ने केवल यह स्मरण करा दिया कि मैं तुम ही में हूं, तुम्हारे ही रेशे रेशे में सोई हुई। और अब समय आ गया कि मैं तुम्हारी नस नस में पंख पसार कर उड़ूंगी और तुम्हारी डाल डाल में गुच्छे गुच्छे लाल लाल कलियां बन खिलूंगी। सुनो, मैं अक्सर अपने सारे शरीर को पोर पोर को अवगुंठन में ढक कर तुम्हारे सामने गई। मुझे तुमसे कितनी लाज आती थी। मैंने अक्सर अपनी हथेलियों में अपना लाज से आरक्त मुंह छिपा लिया है, पर हाय, मुझे क्या मालूम था कि इस बेला जब अपने को अपने से छिपाने के लिए मेरे पास कोई आवरण नहीं रहा, तुम मेरे जिस्म के एक एक तार से झंकार उठोगे। सुनो, सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगी, इस क्षण की प्रतीक्षा में तुम कब से मुझ में छिपे सो रहे थे? ये जो दोपहर के सन्नाटे में, 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 ये जो दो यमुना के इस निर्जन घाट पर अपने सारे वस्त्र किनारे रख मैं घंटों जल में निहारती हूँ। क्या तुम समझते हो कि मैं इस भांति अपने को देखती हूँ? नहीं मेरे सांवरे, यमुना के नीले जल में मेरा ये वेतस लता सा कांपता तनबिंब और उसके चारों ओर सांवली गहराई का अथाह प्रसार, जानते हो कैसा लगता है? मानो ये यमुना की सांवली गहराई नहीं है, ये तुम हो जो सारे आवरण दूर कर मुझे चारों ओर से कण कण रोम रोम अपने श्यामल प्रगाढ़ अथा आलिंगन में कसे हुए हो। ये जो दोपहर के सन्नाटे में, ये जो दोपहर के सन्नाटे में, ना छत्ते गोपाल लाल तक दिखे दिखे के तड़ा, राधा मुस्कान आल धकटक धुकटक नड़ा, मुरलीधर अधर लीनी सांवरे ने एक तान, राधिका ने नृत्य कियो मार के कटाक्ष बाण, दिन 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 जात जात तट 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 यमुना तट, द्रिगन द्रिगन नीर जात कुंज कुंज भटक भटक, द्रिक 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 गोपिन को द्रिक 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 ग्वालन को, निर्खे हैं जिनके नैन गोवर्धन धारी को, धन 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 भाग उनके हैं, धन 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 भाग उनके हैं, धन 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 भाग उनके हैं। यह जो मैं कभी कभी चरम साक्षात्कार के क्षणों में बिल्कुल जड़ और निस्पंद हो जाती हूँ, इसका मर्म तुम समझते क्यों नहीं सांवरे? तुम्हारी जन्म जन्मांतर की रहस्यमय लीला की एकांत संगिनी में। तुम दे
पर मेरे प्राण, यह क्यों भूल जाते हो कि मैं वही बावली लड़की हूं ना, जो कदम के नीचे बैठकर जब तुम पोई की जंगली लतरों के पके फलों को तोड़कर मसलकर उनकी लाली से मेरे पावों को महावर रचाने के लिए अपनी गोद में रखते हो, तो मैं लाज से धनुष की तरह दोहरी हो जाती हूँ। पर शाम को जब घर आती हूँ तो निभृत एकांत में दीपक के मंद आलोक में अपने उन्हीं चरणों को अपलक निहारती हूँ। बावली सी उन्हें बार बार प्यार करती हूँ। जल्दी जल्दी में अदबने उन महावर की रेखाओं को चारों ओर देखकर धीमे से चूम लेती हूँ। पर मेरे सामने लाज मन की भी तो होती है। अगर मैं आम के बौर का ठीक ठीक संकेत नहीं समझ पाई तो भी इस तरह खिन्न मत हो प्रिय मेरे। कितनी बार जब तुमने अगस्त्य के दो उजले कटावदार फूल भेजे तो मैं समझ गई कि तुम फिर मेरे उजले कटावदार पाँव में तीसरे पहर टीले के पास वाले सहकार की घनी छाँव में बैठकर महावर लगाना चाहते हो। मैं मानती हूँ कि तुमने अनेक बार कहा है, राधन तुम्हारी शोक चंचल विचुंबित पलकें तो पगडंडियां मात्र हैं जो मुझे तुम तक पहुंचाकर रीत जाती हैं। तुमने कितनी बार कहा है, राधन ये पतले मृणाल सी तुम्हारी गोरी अनावृत बाहें पगडंडियां मात्र हैं जो मुझे तुम तक पहुंचाकर रीत जाती हैं। तुमने कितनी बार कहा है, सुनो तुम्हारे अधर तुम्हारी पलकें तुम्हारी बाहें तुम्हारे चरण तुम्हारे अंग प्रत्यंग तुम्हारी सारी चंपक वर्णीय देह मात्र पगडंडियां हैं जो चरम साक्षात्कार के क्षणों में रहती ही नहीं रीत रीत जाती है। यह आखिरी पगडंडी थी जिसे तुम रिता देना चाहते थे। सुनो मेरे मित्र, ये जो मुझ में इसे उसे तुम्हें अपने को कभी कभी न समझ पाने की नादानी है ना, इसे भी रोको मत, होने दो, वह भी एक दिन हो होकर रीत जाएगी। और मान लो ना भी रीते और मैं ऐसी ही बनी रहूं तो क्या, मेरे हर बावलेपन पर कभी खिन्न होकर कभी अनबोला ठानकर कभी हंसकर तुम जो प्यार से अपनी बाहों में कसकर बेसुध कर देते हो, उस सुख को मैं छोड़ू क्यों, क्यों छोड़ू, करूंगी बार बार नादानी करूंगी, तुम्हारी मुंह लगी जिद्दी नादान मित्र भी तो हूं ना। फिर भी अगर अपनी मांग पर आम के बौर की लिपि में लिखी भाषा का ठीक ठीक अर्थ नहीं समझ पाई तो इसमें मेरा क्या दोष मेरे लीला बंधु। तुम्हारा अजीब सा प्यार है जो संपूर्णता बांध कर भी संपूर्णता मुक्त छोड़ देता है। छोड़ क्यों देता है प्रिय, क्या हर बार इस दर्द के नए अर्थ समझने के लिए। मुझसे मेरे मन ने आग्रह से विस्मय से तन्मयता से पूछा है, ये कनु तेरा कौन है, पूछ तो।
मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई। तू मेरा सचमुच कौन हो कनु? अक्सर जब तुमने बंशी बजाकर मुझे मंत्र पढ़े बाण से छूट गए तुम तो कनु, शेष रही मैं केवल, कांपती प्रत्यंचासी। अब भी जो बीत गया उसी में बसी हुई, अब भी उन बाहों के छलावे में कसी हुई, जिन रूखी अलकों में मैंने समय की गति बांधी थी। हाय उन्हीं काले नाग पाशों से दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण बार बार डसी हुई, अब सिर्फ मैं हूं। यह तन है और संशय है। जो जादू था, सूरज था, वेग था तुम्हारे आश्लेष में, आज वह जूड़े से गिरे हुए बेले सा टूटा है, म्लान है, दुगना सुनसान है। बीते हुए उत्सव सा, उठे हुए मेले सा मेरा यह जिस्म, अब सिर्फ मैं हूं। क्या तन है और याद है। सुनो कनु, सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंग अंतराल में, अब इन सोने शिखरों, मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा निर्जन, निरर्थक, कांपता सा, यहां छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म। हारे हुए सेनाएं, जीते हुए सेनाएं, नभ को कपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, क्रंदन स्वर, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय मानुषिक घटनाएं, युद्ध की, युद्ध की, युद्ध की, युद्ध की। क्या ये सब सार्थक है? अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु? मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण
रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। तो फिर सार्थक, तो सार्थक फिर क्या है कनु? क्या तुमने उस बेला मुझे बुलाया था कनु? लो, मैं सब छोड़ छाड़ आ गई, क्योंकि मुझे फिर आना था। तुमने मुझे पुकारा था ना, मैं आ गई हूं कनु। और जन्मांतरों की अनंत पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर खड़ी होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं कि इस बार इतिहास बनाते समय अकेले ना छूट जाओ। सुनो मेरे प्यार, बिना मेरे कोई भी अर्थ कैसे निकल पाता तुम्हारे इतिहास का? सुनो मेरे प्यार, तुम्हें मेरी जरूरत थी ना? लो, मैं सब छोड़कर आ गई हूं। मैं आ गई हूं प्रिय, मैं आ गई हूं। मेरी वेणी में अग्नि पुष्प गूथने वाली तुम्हारी उंगलियां अब इतिहास में अर्थ क्यों नहीं गूथती? तुमने मुझे पुकारा था ना, मैं पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर तुम्हारी प्रतीक्षा में अडिग खड़ी हूं मेरे कनु। कान्हा, कान्हा, कान्हा।
आम अनेक अनेक कृतज्ञता अर्पण करुच्छू डॉक्टर अनुराधा दुबे महोदय निकट में ए सुंदर परिवेषण पर। जे शीत छाड़ एटी पाद नुहे मंच दुलुक नुहे एवं मन और हृदय दुलुकबार समय पयरी डांस एकाडेमी शिल्पी मैंने अच्छा आम मान गहन चौधरी विवाहन प्रत्यक्ष तत्वावधान प्रशिक्षण प्राप्त कर शिल्पी मैंने पंचवाद्यर ताले ताले ढोल ताशा निशान मादल मोहरी ताले ताले जो नृत्य परेषण करेंगे कारण चिरकाल आम एक जाचे जे चाय खाइब फुकी फुकी पान खाइब कले जिते गीत बायद अच्छे आम समलपुरी तले तेज आसतु गोटे जोरदार करताली सहित पयनी डांस एकेडमी शिल्पी मान स्वागत करवा प्रस्तुति रे संबलपुरी लोकनृत्य Thank you.
अरे तेल नदी महानदी मजी के शोभा दिशे सन नूर अरे तेल नदी महानदी मजी के शोभा दिशे सन नूर महानदी बुहे झर झर होई अरे महानदी बुहे झर झर होई केड़े शोभा दिसुचे मंदिर मोर केड़े शोभा दिसुचे मंदिर मोर धूप चरा चर धूप चरा चर धूप चरा चर धूप चरा चर धूप चर चर मुली फूल धूक मारे मोर धूप चर चर मुली फूल धूक मारे मोर धूप चर चर मुली फूल धूक मारे मोर जोरा बेनी होले चली जाउतिले महकुती सीरे कोली जोरा बेनी होले चली जाउतिले महकुती सीरे कोली तुमर संगे धन भाव रखिथिले सबके जीवरे भोली तुमर संगे धन भाव रखिथिले सबके जीवरे भोली सोनपुरिया पटकरे करे झिली मिली धांगरी पिनी चली गले दिसी बसनुरी सोनपुरिया पटकरे करे झिली मिली धांगरी पिनी चली गले दिसी बसनुरी बेलारी बीड़िया पानरे धन पाई करी देसी मन हाय बेलारी बीड़िया पानरे धन पाई करी देसी मन महानदी कड़ी शेष सनपुर जरी
जोरी बोई जाऊचे महानदीर धार महानदीर पानी सते दिसे जनमन गादी बुरी दिसु आमे डौलो डौलो महानदीर पानी सते दिसे जनमन गादी बुरी दिसु आमे डौलो डौलो आर मुग माछ मोटा धन सते तो मुग माछ मोटा धन सते तो मोली बुलो मालोरे मैला जड़ो जड़ो के ने दिसन पुर रे मैला जड़ो जड़ो रो कथा नड़ो बड़ रे मैला जड़ो जड़ो के ने दिसन पुर रे मैला जड़ो जड़ो रो कथा नड़ो बड़ रे मैला जड़ो ए टिक टाक टाक टिक टाक टाक टिक टाक टाक ମାପରେ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଧନଗା ଚାପିଆଉଛେ ଖରା ଚାପିଆଉଛେ ଖରା ଚାପିଆଉଛେ ଖରା କାଇ ଡାଲ ଖାଇରେ কুলমণি বিশ্বাল সদস্য নিবেদন রাখব আমার সাথে মঞ্চের সামিল হবে এবং শিল্পী মানুষ সার্টিফিকেট প্রদান করবে
आम कुलमणि विश्वाल महोदय नम्रतार सहित नवेदन रखी आम सहित मंच में सामिल होगा गोटे जोरदार करताली निश्चित भाव नाच किंतु सरीनी नृत्य प्रतिभा टीम प्लीज डू जॉइन ऑन स्टेज।